मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, मोबाइल और इस्माइल, मोबाइल और इस्माइल, मोबाइल और इस्माइल, मोबाइल इस्माइल। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर इस्माइल हर हाल में होना चाहिए। हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर इस्माइल हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल तो वो रख सकता है जिसके पास पैसे, जो खर्च कर सकता है, जिसके पास रुपया पैसे है, मोबाइल वो रख सकता है, लेकिन इस्माइल पर हर आदमी का अधिकार है, क्योंकि ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त उपहार है। गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से के बाद जो आदमी बैर बांध लेता है ना, वो बुरा है। गुस्सा करना बुरा नहीं है, ग्रस्त जीवन में, दाम्पत्य जीवन में गुस्सा करना बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से के बाद जो आदमी बैर पाल लेता है, अब तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, ये बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं। देवरानी जिठानी के बच्चे दिन में कितने बार लड़ते हैं? देवरानी जिठानी के बच्चे दिन में कितने बार लड़ते हैं? दसों बार लड़ते हैं, लेकिन दो मिनट बाद फिर एक दूसरे के गले में हाथ डाल के एक ही आइसक्रीम को एक बार ये खा रहा है, एक बार वो खा रहा है, दोनों की मम्मियां तो वहां तनातन, और ये यहाँ पर मस्ती से आइसक्रीम एक ही। गुस्से तो बच्चे भी करते हैं, याद रखना, गुस्से तो बच्चे भी करते हैं। कितना अच्छा होता ये आदमी हमेशा ही बच्चा होता, कितना अच्छा होता ये आदमी हमेशा ही बच्चा होता। बड़ा आदमी एक बार झगड़ ले तो कसम खा लेता है, अब जिंदगी में तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, तेरे दर पर नहीं आऊंगा, तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद जो बैर पाल लेता है वो बुरा है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति थोड़ा शांत था, सत्संगी था, गुरुओं के समीप जाता था, उनकी बातों को सुनता था, किसी गुरु ने कहा होगा सामने वाला अगर गर्म हो तो तुमको नरम बन जाना चाहिए। पत्नी बहुत गरम, बहुत गरम, बहुत गरम, बहुत गरम। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। पत्नी बहुत बोली, बहुत बोली, बहुत बोली, बहुत बोली। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। पत्नी बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। और याद रखना, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उनकी पत्नियां बहुत तेज तर्राट हुई। संत तुकाराम की पत्नी बहुत तेज तर्राट, महाकवि कालिदास की पत्नी बहुत तेज तर्राट, महालेखक शेक्सपियर की पत्नी बहुत तेज तर्राट। आपकी पत्नी भी अगर तेज तर्राट है तो इसका मतलब आप महापुरुष बनने वाले। मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं आप महापुरुष बनने वाले, बशर्ते आप चुप रहिए, बशर्ते ये चुप रहते, ये सभी चुप थे, ये जितने हैं ये सभी चुप थे, शांत थे। पत्नी बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। पति बहुत, पत्नी बहुत बोली, बहुत बोली, बहुत बोली। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। पत्नी बहुत चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। आखिरकार पत्नी का जब अपने पर काबू नहीं रहा तो उसने कहा, जानवर कहीं के जवाब तक नहीं देते। पत्नी ने अपने पति को कहा, जानवर कहीं के जवाब तक नहीं देते। पति चुप रहा,
चुप रहा। पत्नी फड़फड़ाते हुए वापिस अपने कमरे में गई। 10 मिनट बाद उसके सिर से क्रोध का भूत उतरा। उसका बोध जब वापिस लौटा, विवेक वापिस लौटा, उसे लगा, हाय राम, मैंने अपने पति को जान भर के दी, इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी गाली, इतनी बड़ी उपेक्षा, अपने पति को, देवता जी से पति को मैंने जानवर कह दिया। उसे पश्चाताप हुआ। हर क्रोधी को क्रोध करने के बाद पश्चाताप होता है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने अपने पति को बड़ा अपमानित किया है, गाली दी है, उनका बड़ा अपमान किया है। प्रायश्चित की स्वरूप आंखों में आंसू लिए पति के पास आई और बोली, मुझे माफ़ करना, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पति बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने आपका बड़ा अपमान किया है, आपका बड़ा अपमान किया है। पति ने कहा, नहीं, तुमने मेरा कोई अपमान नहीं किया, तुमने मेरा कोई अपमान नहीं किया। पत्नी बोली, नहीं, मैंने आपको जानवर कहा, जानवर। पति बोला, अगर तूने जानवर कहा तो ठीक कहा, तूने कुछ गलत नहीं कहा। पत्नी बोली, मैंने जानवर कहा और आपके लिए ठीक कहा। पति बोला, हाँ, तूने जानवर कहा तो ठीक कहा। पत्नी बोली, अब मैंने जानवर कहा आपके तो ठीक कहा, वो कैसे? पति बोला, वो तो मैं जानवर उसी दिन हो गया था जिस दिन तेरा मेरा पति बोला, वो तो मैं जानवर उसी दिन हो गया था जिस दिन तेरा मेरा विवाह हुआ था। पत्नी बोली, देखो जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो पति ने कहा, समझ में नहीं आ रहा तो समाज सो, तू मेरी जान है ना, हाँ, और मैं तेरा वर हूं ना, हाँ, तू मेरी जान, मैं तेरा वर। इतना सुनना था, पत्नी को हंसी आ गई और बोली, पप्पू के पापा तुम कितने बोले हो। आपसे निवेदन करूंगा, सुनने की आदत डालो। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।